वेलकम एवरीवन दोस्तों आप देख रहे हो अपना एक एयर करंट अपडेट चैनल आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जे के एस क्लास फोर्थ की जो नोटिफिकेशन थी आज हम क्लियरली तरीके से डिस्कस करेंगे कि जेके एस एस क्लास फोर्थ में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टेंथ और मैक्सिमम जो है क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ थी जे जेके एस एस के नोटिफिकेशन नंबर जीरो वन आउ टू थाउजेंड ट्वेंटी 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 की थी जिसमें जेके एस क्लास फोर्थ के जो ऑनलाइन फॉर्म फ़िल किए थे वो फिल हुए थे जो ऑनलाइन फॉर्म था उसमें क्लियरली तरीके से जो नोटिफिकेशन निकली थी जिसमें ओवरऑल जो पोस्टें थी पोस्ट थी. जिनका रिजल्ट निकला है तो अभी एक एक बन गया है हर एक candidate के अंदर कि जो graduate है, वो एलिजिबल है कि नहीं है तो आज हम इसी बात को जेके एस एस बी क्लास फोर्थ में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही थी और हमने जो हमारे जेके एस एस बी के चेयरमैन है खालिद जहांगीर का उनका भी इंटरव्यू देखा उसमें भी उन्होंने क्लियरली तरीके से यही बोला है कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है टेंथ और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ है बाकी उन्होंने ये बात नहीं की है कि ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है जे वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जो पॉलिसी बनी हुई है जो एस आर ओ नाइन्टी नाइन है ऑफ टू थाउजेंड एट का उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा इसके साथ साथ और जो मेन बात थी कि एस आर ओ नाइन्टी नाइन ऑफ टू थाउजेंड एट है क्या आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे तो हमारे जो जेके एस एस बी के चेयरमैन थे खाली जहांगीर उन्होंने बोला था कि हम कुछ नहीं करते हैं जो भी पॉलिसी है जे जीएडी जो है वो फॉलो हमें करने के लिए बोलती है जीएडी हमें एक रूल्स बताती है उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रोसेस को चलाते हैं और हमारा काम मेन हम रिक्रूटिंग एजेंसी हम केवल रिक्रूट करते हैं हम एज जैसे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है हम वैसे ही मैन पावर को पूरा तैयार करके ठीक है उनका रिटर्न एग्जाम लेके हम जी को दे देते हैं आगे उनकी प्रोसेस पहले वो हमें रूल्स बताती है हम रूल्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी प्रोसेस आगे चलती है और आज हम बात करेंगे जो एस आर ओ नाइन्टी है क्या है और ग्रेजुएट एलिजिबल है कि नहीं है पहले हमें ज़रूरी है ये देखना कि इसमें क्या लिखा था एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन में तो दोस्तों इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर था एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन था जो उसमें उन्होंने जेके एस एस बी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था एट हंड्रेड फाइव एट थाउजेंड फाइव जो पोस्ट थी उसमें उन्होंने बताया हुआ है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की अगर हम क्लियर तरीके से देखें तो उसमें लिखा है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है पोस्ट क्लास फोर्थ का तो जो क्लासिफिकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो एज़ पर ऑर्डर के एस आर जो है इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो हुई थी क्लास फोर्थ के लिए है जी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें मिनिमम मैट्रिक पास थी और मैक्सिमम जो थी वो टेन प्लस टू थी तो अकॉर्डिंगली हम बात करें दोबारा कि आगे जो इनकी होनी है मेन प्रोसेस टेंथ मिनिमम और ट्वेल्थ मैक्सिमम है और ग्रेजुएट बीच में एलिजिबल है कि नहीं है ये सब कुछ अकॉर्डिंगली एस जो नाइनटी है जो काम करता है अब हम बात करते हैं एस आर है क्या तो दोस्तों एस आर ओ नाइन्टी नाइन है क्या आज हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो दोस्तों एस आर ओ नाइन्टी नाइन को अगर आप डिस्कस करो टू थाउजेंड एट के उसमें क्लियरली ये बताया कि कैंडिडेट मस्ट द मिनिमम क्वालिफिकेशन की एस आर ओ नाइन्टी नाइन को है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैट्रिक क्वालिफिकेशन जो है क्लास फोर्थ के लिए उन्होंने बताया कि मिनिमम जो है मैट्रिक पास होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है टेन प्लस टू है ग्रेजुएशन नहीं बोली है लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बोला है अगर किसी की क्वालिफिकेशन हायर होगी तो उसमें उनको कोई भी बेटेज नहीं दिया जाएगा हाउ व नो एडिशनल वेटेज शेल वी गिवन टू एनी कैंडिडेट फॉर हायर क्वालिफिकेशन इन टर्म्स आर ओ नाइनटी नाइन जो एस आर है इनके अकॉर्डिंग अगर बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट उसने टेंथ की है कोई कैंडिडेट जो है उसने ट्वेल्थ की है और कोई कैंडिडेट अगर वो ग्रेजुएट हैं जो उससे वब हैं ये तीनों टाइप के अगर कैंडिडेट हैं अगर इनका एग्ज़ाम हुआ अगर इसने लिए हैं तो दोस्तों हम एक क्राइटेरिया की बात कर रहे थे मान लो एस आर ओ नाइन्टी नाइन के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया हुआ है कि एस आर ओ नाइन्टी नाइन के अकॉर्डिंग गेस करो कि अगर कोई कैंडिडेट है ठीक है एक टेंथ पास कैंडिडेट है एक ट्वेल्थ पास है और एक ग्रेजुएट है अगर तीन है ग्रेजुएट से वब्ब भी, भी हो सकता है तो इनकी आ, आ, क्या होगा कि टेंथ पास है इसने भी अगर आ, कोई एग्ज़ाम दिया है जो मेरिट बना है ठीक है मेरिट मीन्स कि इन तीनों ने जैसे पहले होता था क्राइटेरिया उसमें जो है मिनिमम जो मार्क्स बताए होते थे टेंथ और ट्वेल्थ की ही बेटिस दी होती कि टेंथ अगर परसेंटेज के हिसाब से टेंथ की जो रहती थी एटी परसेंट टेंथ के मार्क्स रहते थे और इसके बाद ट्वेल्थ के ट्वेंटी परसेंट मार्क्स रहते थे हंड्रेड में से मेरिट बनता था और ऐसे ही अगर कोई ग्रेजुएट जो फॉर्म फिल करता था उसकी भी टेंथ और ट्वेल्थ को देखा जाता था ग्रेजुएशन की कोई बेटी की ग्रेजुएशन है वो ज्यादा पढ़ा है तो उसको कोई मार्क्स मिलेगा वो नहीं क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ के बेस पे अगर कोई ट्वेल्थ तक मैक्सिमम अगर कोई पोस्ट की वो मार्क्स uh, हैं तो अकॉर्डिंगली और ट्वेल्थ को देखा जाता है ग्रेजुएट को नहीं देखा जाता था गैस करो इसके बाद जो नया क्राइटेरिया बना था उसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि सिक्सटी मार्क्स और फोर्टी ट्वेंटी मार्क्स कर दिए थे सिक्सटी टेंथ के और ट्वेंटी जो कर दिए थे वो कर दिए थे ट्वेल्थ के और इसके बाद जो ट्वेंटी मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के तौर पे कर दिया था अब जो न्यू क्राइटेरिया बना है इसमें अगर बात करें दोस्तों जो न्यू क्राइटेरिया है इसमें भी अगर गैस करो कि कोई टेंथ पास है ठीक है अगर कोई टेंथ पास है अकॉर्डिंगली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एस आर ओ नाइन्टी नाइन अगर कोई टेंथ पास है अगर कोई ट्वेल्थ पास है और अगर कोई ग्रेजुएट है अकॉर्डिंगली अगर वो ग्रेजुएट है तो वो सभी जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो उनका रिटर्न एग्जाम हुआ जैसे अभी हमारा हुआ है ठीक है मीन्स कि जिन्होंने दिया अभी तो अकॉर्डिंगली जैसे ही ये टेंथ पास है ट्वेल्थ पास है ग्रेजुएट भी है आगे इन्होंने जब रिटर्न एग्जाम दिया इनको फिफ्टी मार्क्स आ गए ठीक है इसको फोर्टी नाइन आया तो इसको फोर्टी एट आया गेस करो ठीक है तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये ज़्यादा पढ़ा है ट्वेल्थ वाला ज़्यादा पढ़ा है तो इसको इसकी ट्वेल्थ के जो इन्होंने टेंथ के बाद दो क्लासें पढ़ी हैं इसकी कोई बेटेज मिलेगी जब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन ने तीन साल और लगाए हैं ट्वेल्थ से और फाइव ईयर ज़्यादा लगाए हैं टेंथ के तो इनको कोई बेटेज मिलेगी इनको कोई बेटेज नहीं मिलेगी बल्कि मेरिट में जो टॉप में उनको देखा जाएगा ठीक है मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन को उनकी पढ़ाई का कोई बेटेज नहीं मिलेगा मेरिट में ये सारी जो मेरिट बनी हुई है ये बनी हुई है अकॉर्डिंगली जो उसने एग्जाम में नंबर लिए हैं इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि ऐसा 99 के बात भी बन जाती है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है जैसे जे 10 प्लस टू के लेवल पर क्लास फोर्थ की जाब है तो उनका जो वर्क काम है वो टेंथ वाला भी वही करेगा ट्वेल्थ वाला भी वही करेगा और ग्रेजुएशन वाला भी वही करेगा और इनके साथ साथ जैसे ही उनकी प्रमोशन हो रही है प्रमोशन हो रही है ठीक है अगर प्रमोशन की बात करें तो टेंथ वाले की अगर उसके बाद प्रमोशन हो रही है जहाँ अपने एरिया में जो कोई टक्नी टेक्निकल काम होगा जहाँ जूनियर असिस्टेंट बन रहा है या ट्वेल्थ वाला भी ऐसे ही बन रहा है तो ग्रेजुएशन वाले की भी बिल्कुल वैसी ही प्रमोशन होगी वो ये नहीं है कि वो पहले वो नर्सिंग आर्डर ही लग रहा है तो उसके बाद सीधा डॉक्टर लगेगा ऐसे प्रोसेस नहीं है जैसे टेंथ वालों को ट्रीट किया जाएगा जैसे उनकी प्रमोशन होगी बिल्कुल सेम वे इनकी भी प्रमोशन होगी ठीक है तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हाउ नो बेटे सेल भी गिवन टू एनी कैंडिडेट फॉर हायर क्वालिफिकेशन इन टर्म्स आर एस आर ओ 99. अगर वो काम कर रहा है कोई आ, आ, उसको के तौर पे बोला जाता है तो वो अटेंड करता है तो ऐसे ही जो ग्रेजुएशन वाला जब पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जब पीएचडी वाला अगर उसने फॉर्म फिल किया तो सेम उनके साथ भी वैसा ही होगा इसके बाद में कुछ ऐसे फॉर्म आपको बता दूंगा जिससे हो जाएगा कि एस आर ओ नाइनटी जही बोलता है कि 10th और पास तो है ही है लेकिन अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको कोई भी बेटे उसकी पढ़ाई का नहीं दिया जाएगा कि वो ज्यादा पढ़ा है तो उसके मार्क्स ज्यादा दिए जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है तो दोस्तों मैं पहली ये बताता हूँ रिक्रूटमेंट हुई थी क्लास फोर्थ की ठीक है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ठीक है तो जी रीएडवर्टाइज़ एडवर्टाइज भी हुई थी जमा जमादार आडरली राखा और बाचर्स की पोस्ट से क्लास फोर्थ पोस्ट है टू के लिए थी तो इसमें हम बात करें इनकी जो नोटिफिकेशन निकला था अकॉर्डिंगली इसमें उन्होंने पे स्केल को भी बताया हुआ था और साथ में कैंडिडेट को बताया हुआ था कि इनकी मिनिमम हाल ही क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जैसे फोर्थ नंबर पर उन्होंने बोला हुआ कि है कि कैंडिडेट मस्ट पासज मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन है मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक और मैक्सिमम जो है टेन प्लस टू रहेगी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी हाउ एवर नो एडिशनल वेटेज कोई एडिशनल बेटीज बेटीज मीन क्यों होता है कि उनको और कोई हेल्प नहीं दी जाएगी अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा पढ़ा होगा एस आर 99 के अकॉर्डिंग जो रूल है इसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसको उसकी कोई भी बेटेज नहीं दी जाएगी उसको एज ए टेन प्लस टू ही ट्रीट किया जाएगा ठीक है तो इसके अलावा जे भी मै ही था इसमें भी उन्होंने एस आर को बताया हुआ है इस तरीके से इसके अलावा हम एक और बात करेंगे एक और जो आर्डर है तो एक और मैं बताता हूँ गवर्नमेंट जम्मू और कश्मीर डायरेक्टर ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट कश्मीर चेयरमैन डिवीजन लेवल कमेटी फॉर क्लास फोर इन कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसमें जो पोस्टें थी क्लास फोर्थ पोस्ट थी दोस्तों तो इसमें भी हम बात कर लेते हैं क्या है इसमें तो इसमें दोस्तों जो मेन रहता है इसमें आर्डर और चौकीदार की पोस्ट थी तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है जैसे ये फॉर्म है इनका ठीक है इसके अलावा अगर हम इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इन्होंने भी यहीं लिखा हुआ है कि जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है कैंडिडेट मस्ट पास मिनिमम और बेसिक मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम जो है टेन प्लस टू होगी एस आर ओ नाइनटी नाइन टू थाउजेंड एट के अकॉर्डिंग और कोई भी एडिशनल और कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर टेन प्लस टू के बाद किसी कोई ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है उसको कोई भी बेटेज नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता था जो ग्रेजुएट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो है इसमें ये नहीं है कि खालिद जहांगीर के द्वारा उन्होंने बोला है उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, नहीं है कि ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है ठीक है लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि नाइन है क्या आज हमने एस आर ओ नाइन्टी नाइन के बारे में बोला है समझाया मैंने आपको क्लियर तरीके से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ठीक है जे है कि जो आपको जो है बेटीज़ नहीं मिलेगा आपको एज ए जैसे टेन प्लस टू है बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास की पोस्ट है तो क्लास फोर्थ के लिए एज़ ए फिर कोई उनका वर्किंग एरिया जो है अटेंड करने का ही होता है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने नियर और डर में और जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख दो तो दोस्तों आज हमारा यही काम था कि एस आर है क्या आज मैं उसके बारे में बताना चाहता था थैंक यू गाइज़